Assalamualaikum, dear students. I hope you are fine. We are studying online with computers for 4th class. Students of 4th class, open your computer book page number 42. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिसाइज अ विंडो. विंडो को हम कैसे रिसाइज करते हैं, कैसे उसका साइज चेंज करते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं रिसाइजिंग क्या होता है. रिसाइजिंग मीन्स चेंजिंग द साइज ऑफ द विंडो. रिसाइजिंग का मतलब होता है कि विंडो के साइज को चेंज करना. यू कैन रिसाइज अ विंडोज टू मेक दैम लार्जर और स्मॉलर. आप विंडो का साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं उसको लार्जर बड़ा करने के लिए और स्मॉलर उसको छोटा करने के लिए. इफ़ आ विंडो इज़ ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड, अगर जो विंडो है वो पहले से ही साइज में बड़ी है, क्लिक ऑन द रिस्टोर डाउन बटन. तो आप क्लिक करें रिस्टोर डाउन बटन पे ऑन द विंडो कंट्रोल बटन्स. तो विंडो कंट्रोल बटन्स पे क्लिक करते हुए आप इसको रिस्टोर डाउन पे क्लिक करते हैं तो आप इसको साइज़ को चेंज कर सकते हैं. टू रिसाइज द विंडो फॉलो द गिवन स्टेप्स. विंडो को रिसाइज करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें. फर्स्ट स्टेप हमारा कौन सा है, मूव द माउस पॉइंटर टू एनी एज ऑफ द विंडो. आपने माउस के पॉइंटर को विंडो के किसी भी किनारे पे आपने उसको मूव करना है. अनटिल यू सी आर डबल हेडेड एरो, यहाँ तक कि आप डबल हेडेड एरो को देख लें. डबल हेडेड एरो मतलब क्या है कि वो एरो जिसके दोनों साइड्स पे एरो बने हुए हों. लाइक जैसे ये है, दोनों साइड्स पे एरो का साइन आपको नजर आ रहा है. सेकेंड स्टेप है क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन. आपने माउस के लेफ्ट बटन को आपने क्लिक करना है, उसको आपने होल्ड किए रखना है, मतलब उसको पकड़े रखना है. थर्ड स्टेप है मूव द एरो. मूव करना है आपने एरो को इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स. आपने अंदर की तरफ और बाहर की तरफ उसको मूव करना है बाय ड्रैगिंग द माउस टू मेक दैम विंडो स्मॉलर और बिगर. और आपने विंडो को स्मॉलर बड़ा या छोटा करते हुए आपने उसको माउस को ड्रैग करना है. ये हम देखते हैं विंडो, ये हमारे पास सामने ओपन हुई हुई है कंप्यूटर की विंडो. तो ये हमारे पास क्या है, विंडोज़ कंट्रोल बटन्स है, विंडोज़ को कंट्रोल करने के बटन है. ये आपका मिनिमाइज़ है, यहाँ से आप विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इधर से आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं. मूव द डबल हेडेड एरो टू मेक द विंडो स्मॉलर और बिगर. इस तरह का आपको एरो शो होगा. यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ, आउटवर्ड्स बाहर की तरफ इसको मूव करते हुए आप विंडो के साइज को चेंज कर सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास विंडो ओपन है. ये इधर आपको कंट्रोल बटन दिया है विंडोज़ को कंट्रोल करने के. ये मिनिमाइज का बटन है, जैसे ही आप पॉइंटर को मूव करते हैं बटन पे तो ये आपको लिखा हुआ नीचे नज़र आ रहा है, मिनिमाइज का ऑप्शन नज़र आ रहा है. ये मैक्सिमाइज है. इस पर अब जो है हमने पढ़ा था कि विंडो जब जो है मैक्सिमाइज होती है पहले ही, तो जब हम इस पर माउस को मूव करते हैं तो इस पर रिस्टोर डाउन का बटन जो है आ जाता है. और ये आपका क्लोज बटन है, यहाँ से आप विंडो को क्लोज कर सकते हैं, जैसे ये क्लोज आपको नज़र भी आ रहा है. तो हमने क्या करना है, विंडो का साइज चेंज करना है. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब ये विंडो जो है वो बंद हो जाएगी. अब हम मैक्सिमाइज पे बटन इस पर क्लिक करेंगे रिस्टोर डाउन पे, तो आपकी जो विंडो जो है वो इस तरह साइज चेंज हो जाएगा. सेकंड हमने क्या करना है, इसके हमने साइज को चेंज करना है. तो जैसे ये देखें डबल हेडेड एरो जो है वो आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विंडो के साइज को चेंज कर सकते हैं. इसको हमने पढ़ा था कि इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ ऐसे साइज चेंज कर सकते हैं, और आउटवर्ड या बाहर की तरफ हमने चेंज करना है साइज को, तो हम इसके साइज को चेंज कर सकते हैं. विंडो को आपने जैसे भी लार्जर करना है, स्मॉलर करना है, आप इसको कर सकते हैं. और ये हमारा क्रॉस बटन था, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विंडो को क्रॉस कर सकते हैं. तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमने इसके साइज को, विंडो के साइज को कैसे चेंज करना है. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एंड होता है. आपने भी अपने घर में इसको प्रैक्टिकल करके देखना है, विंडोज़ के साइज़ को चेंज करके देखना है आपने. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.